हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शावीज, मोहम्मद यासीन, आयशा यासीन। सो फाइनली आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं दो टीजर्स के ऊपर। जिस ड्रामे का नाम है जेंटलमैन और इसके लीडिंग एक्टर्स हैं हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी साहब एंड यमुना जैदी द लीडिंग रोल्स। एंड आई थिंक हमारे रिसेंट वीडियोज़ में मैंने बोला है कि हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज दे आर ऑल्सो द लीडिंग एक्टर्स ऑफ मेरे पास तुम्हो, वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामा और वन ऑफ द टॉप रेटेड ड्रामा इन इंडिया ऑल्सो। एंड हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी दोनों बहुत जिगरी दोस्त भी हैं, एक साथ बहुत प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया है एंड दे आर वेरी 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 गुड एक्टर्स। Let's start the reaction on Yumna Zaidi Vinol. Before starting guys, thank you very much. Thank you everybody. हम लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए, हम लोगों ने आपके कमेंट्स पढ़े, इतने सारे आपने हमें मतलब रिएक्शन करने के लिए कमेंट्स किए हैं, हम लोग डेफिनेटली करेंगे इसको। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। या रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट। फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम और डिटेल्स हमने दिए हैं, और ऑल्सो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि नेक्स्ट हम लोग किस पर रिएक्ट करें। सो लेट्स सी टीजर वन फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर टीजर टू। या कल मुन्ना अपना हाथ उठाओ मेरे साथ साथ बोलो, मैं इकबाल मुन्ना अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ, अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ कि अपने बड़े भाई के अहकाम का पाबंद रहूंगा, कि मैं अपने बड़े भाई के अहकाम का पाबंद रहूंगा, पत्ता नहीं दूंगा दादा मेहर भाई आई हेड बत्ता, किसी को जान से नहीं मारूंगा, किसी को लव नहीं करूंगा। लव लव बोले तो प्यार, किसी से लव करता है क्या? बहुत प्यार करता हूँ। तुझे करूंगी दो ढाई बीटियां, ओ खलील रहमान साहब, जेंटलमैनों से लड़ाई और अगर हम हार गए तो गरीब उसी तरह रिहाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे यहां से। क्या बात है, बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन I'm totally now और ज़्यादा excitement level और ज़्यादा हो चुके हैं। Let's see the teaser 2 first and yeah, there are a lot of things to talk. मैं पूछती हूँ, ये गुंडा नाम की स्पेशी होती क्या है? Oh, she's a reporter. Oh, journalist. ये सवाल अपनी मर्ज़ी के कभी गुंडा हमारी ना इंसाफी, बुजदिली और करप्शन से पैदा होने वाले उस कीड़े का नाम जो हमारी हिम्मत और वकार को पैरालाइज कर देता है। इसी गुंडे के आड़ में छुपकर हमने अपने मुल्क के 74 साल जाया कर दिए और अब जब वो अपने पैदा करने वाले से अपना हिस्सा मांगता है तो आप चीख चीख कर कहते हैं कि वो गुंडा है। मरवाएगी दिलवर, कारोबार खत्म कराएगी अपना। व्हाटएवर नहीं सर, डीसी साहब हुक्म की तामील करेंगे, तामील में आप उनकी मदद करेंगे, चैनल पर शो होगा, मुझे स्क्रिप्टेड लाइंस बोलनी पड़ेंगी, हाँ सबके आपसी ताल्लुकात बढ़ जाएंगे लेकिन गुंडों का बाल बाका नहीं होगा। चैनल से तनख्वाह लेते हैं तो उन्हें सर्व करना पड़ेगा। मुल्क से कुछ नहीं लेते हम, चैनल से एक तनख्वाह लेते हैं उसके लिए दुगनी मेहनत करते हैं, मुल्क से पता नहीं क्या क्या लेते हैं, उसको कब सर्व करेंगे हम? आई थिंक इट्स बेसिकली जैसे हमने देखा यमुना ज़ैदी इज अगेंस्ट अगेंस्ट हुमायूं सईद क्योंकि वो गुंडा है, सो इट्स बेसिकली बिटवीन द जर्नलिस्ट एंड इट्स पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड देन फिर गून्स ऑफ द सोसाइटी इन्वॉल्वड, ये पूरा चल रहा है। सो आई थिंक अदनान सिद्दीकी इज लाइक वो एक गुंडा थे
एंड आई थिंक वो ट्राई कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जाए. एंड आई थिंक हुमायूं सईद इज प्लेइंग यंगर ब्रदर ऑफ अदनान सिद्दीकी. और अदनान से ये लाइक हुमायूं सईद गुंडागर्दी से पॉलिटिक्स में आ रहे हैं. सो यमुना इज अगेंस्ट दैट कि एक गुंडा पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं. सो शी इज अगेंस्ट कि एक क्लीन पॉलिटिशियन होना चाहिए. एंड दिस इज समथिंग लाइक दैट. एंड आई थिंक हुमायूं सईद और यमुना सईदी विल फॉल इन लव लेटर मे बी. बट आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट मैच बिकॉज हुमायूं सईद एंड दोनों बहुत डिफरेंट डिफरेंट का लोग हैं. बट अगेन रील है. Did कुछ भी हो सकता है इसमें. Did the series got released or no it's a teaser. It's very guys. Grand like I think दो दिन पहले इसका टीजर 2 आया है. एंड जो पाकिस्तानी ड्रामास होते हैं उसके 4-5 टीजर्स आते हैं. एंड आल्सो उसके बाद ओएसटी आता है. सो ये दो तो टीजर हम लोग इमीडिएट कर रहे हैं. लेकिन इसके बाद हमें बहुत सजेशंस आएंगे कि टीजर 3-4-5 भी रिएक्ट करें और आल्सो ओएसटी. हां सो हम लोग उसके ऊपर तो डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे ही. आते ही रिएक्ट करेंगे डेफिनेटली. बट दिस आई थिंक इट्स वेरी नाइस यू नो टीजर इज नॉट समथिंग कि ऐसा बोलें कि हम लोग कि दिस इज वेरी गुड या फिर वेरी इंटरेस्टिंग. बट द लीडिंग एक्टर्स और जो इसके राइटर हैं उनके कॉन्फिडेंट में मैं बोलता हूं कि दिस इज गोना बी वन ऑफ द जो भी टीजर्स इन्होंने दिया है मतलब उतना ज्यादा ऐसा कुछ दिखाया नहीं है. मतलब दे हैव नॉट रिवील्ड द स्टोरी. बट हाँ मतलब ट्रेलर्स इज लाइक तो उन्होंने उसका एक हाइप क्रिएट किया. यमुना सईदी को उन्होंने सेकंड टीजर में ऑलमोस्ट लीड में रखा. फर्स्ट ट्रेलर में उन्होंने खाली हुमायूं को दिखाया है और फिर सेकंड में ओनली द हीरोइन. एंड आल्सो हुमायूं सईद को इस अवतार में मैंने नहीं देखा. नहीं देखा. हां वी हैव सीन हिम ऑलवेज वो लविंग वाला फैमिली मैन काइंड ऑफ रोल. बट आई थिंक उनकी एक मूवी है दिस इज व्हिच आई थिंक वो मुझे नाम पता नहीं लेकिन बहुत सेशंस आ रहे थे करने के लिए. इट्स अबाउट मिलिट्री. उन्होंने एक्शन हीरो का तो रोल किया है. दैट्स फॉर श्योर आई नो दैट. बट मैंने देखा नहीं. एंड दिस इज वेरी डिफरेंट लाइक गुंडे वाला और स्पेशली इन पाकिस्तानी ड्रामा यू नो एक गुंडे वाला कैरेक्टर और उसे इस तरीके से लाना एंड गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स ये सब बहुत डिफरेंट है. दिस इज गोना बी वेरी आई थिंक राइट नाउ जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है उस हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. के आई थिंक आई डोंट नो कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो किस तरीके से काम करते हैं लाइक इंडियन जर्नलिस्ट और उनका काम करने का तरीका अलग है. बट आई वॉन्ट अ जर्नलिस्ट लाइक दिस who's very outspoken and she's speaking in about the things in India also in Pakistan also. I mean like har jagah aise journalist hone chahiye. I think aise journalist you know jo hamara ye USA wagera hote hain na wahan par hote hain they have the right to speak. But I don't think they hamare ye jo Asia countries hai na yahan par utna right milta hai un logon ko. This is going to be the interesting one. Well so abhi ke liye teaser is like excellent. Picturization and the dialogue delivery of both the actors as punchlines of the dialogues. वो तुमने वो note किया है कि यमुना सईदी का एक dialogue था like she was continuously you know एक साथ shot किया था. Right. उसमें जो है वो जो दिख रहा था कि like she is so involved in that thing और उनके जो line थी ना उसमें कहीं हिचकिचाहट नहीं थी and what was so clear वो वहाँ पर दिखता है कि किस तरीके का काम इन लोगों ने किया होगा. She wants to do something for the country ऐसा कुछ patriotism. And also यो I must say कि ये जो हम लोगों ने सुना है dialogue is not जैसे कि टीजर है वैसा ही टीजर है सिर्फ एक ग्लिम्स है. बिकॉज आई हैव सीन खलील रहमान ड्रामास एंड उनके जो डायलॉग्स होते हैं जो पंचलाइन होते हैं इट्स क्रेजी. एंड आई थिंक मेरे पास समूह में एक डायलॉग था उनका हुमायूं सईद का कि दो कौड़ी की लड़की के लिए आपने वो जो डील के बारे में कहा था. आई होप यू हैव बट आई एम नॉट गेटिंग इट. इट्स बीन अ व्हाइल कि हमने वो ड्रामा देखा था. डायलॉग वैसे डायलॉग्स लिखने में माहिर है खलील रहमान साहब. बहुत जबरदस्त है डायलॉग डिलीवरी पिक्चराइजेशन एक्टिंग सब कुछ. एंड आई थिंक मुझे कमेंट में ये भी मैंने देखा था कि लाइक पीपल आर राइट नाउ लाइक टेलिंग के दिस इज गोना बी द ब्लॉकबस्टर ड्रामा ऑफ अभी ट्रेलर से पता चलता है कि भाई इसमें तो भरपूर एक्शन तो होगा कॉमेडी भी है
और फिर इमोशनल इमोशन तो डेफिनेटली होगा। आई थिंक लव को नो ने थोड़ा कम ही दिखाया। विल सी कि थर्ड फोर्थ टीजर ऐसा कुछ आया तो उसमें पता चलेगा कि है नहीं है लव इसमें। एंड फिर ओएसटी में भी देखते हैं तो एग्जैक्टली कुछ फिगर आउट कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि इसका ओएसटी वो यू नो रोमांटिक टाइप ऑफ ओएसटी ना हो। इट शुड बी समथिंग यू नो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ओएसटी बिकॉज़ जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। So I prefer कि OST भी वैसे ही different हो, not regular love and all. But again, I hope कि राहत फतेह अली खान साहब वो OST में, because उन्हें इन्हें राहत फतेह अली खान साहब is the only the singer जो कि इन खासकर खलील साहब और हुमायूं सिद्दीकी के dramas का OST करते हैं, especially खलील रहमान साहब का, राहत फतेह अली खान is known for that. So yeah, this was our reaction on Gentleman के teasers. Fine, हमें तो भाई trailers बहुत पसंद आए। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा? And also teasers आएंगे third, fourth and fifth, we'll definitely react and आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा support कीजिएगा और comment box में ये भी बताइएगा कि next हम लोग किस पर react करें। जाने से पहले channel को subscribe कीजिए, notification bell ring कीजिए for more entertainment. Follow us on Instagram, Facebook and Twitter और details हमें दिए हैं। And this is Mohammad Shahbaz, Mohammad Yasin, Aisha Yasin and we are signing off.